ओम शांति। 28-2-72 तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए, ऐसे नहीं स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग, विनाश का कर्तव्य का समय अलग, फिर और आना है, नहीं नई रचना रचते जाते और पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां है उनका विनाश ही साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं, तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने कारण सफलता न हो पाती है। दोनों ही साथ साथ होने से सफलता हो जाती है। क्या दोनों विनाश और स्थापना, यह दो रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आवेंगे। दोनों रूप के स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। 72 की मुरली है तो बाबा कह रहे तीन कर्तव्य इकट्ठा चलना चाहिए, स्थापना पालना और विनाश। ऐसे नहीं स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग, विनाश का कर्तव्यों का समय अलग, फिर और आना है, नहीं नई रचना रचते जाते हैं और पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां है उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं, तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने कारण सफलता न हो पाती है। दोनों ही साथ साथ होने से सफलता हो जाती है। यह दो रूप याद रहने से देवता रूप आप पे ही आएंगे। दोनों रूप के स्मृति को ही क्या फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी शक्ति रूप। तो दो कर्तव्य, स्थापना और विनाश। पालना किसकी? जिसकी स्थापना करते हो। और विनाश किसका करना है? विनाश करना है पुराने संस्कारों का। तो विनाश कैसे करेंगे? विनाश करना है सात चीजों का। एक है विकार, दूसरे है विकल्प, तीसरा है विकर्म, चौथा है व्यर्थ, पांचवा है वेस्ट, छठवा है विकल्प, बोल दिया ना, और संस्कार स्वभाव। इन सभी का नाश करना। सबसे पहले विकर्म, विकर्म अर्थात किए हुए पाप। विकल्प, विकल्प अर्थात आज की मुरली में विकल्प की परिभाषा दी है बाबा ने, साकार मुरली। संकल्प है शुद्ध ख्याल, विकल्प है अशुद्ध ख्याल। माया विकल्प लाएगी, जबरदस्ती सोचेंगे क्या विकर्म करूं, तो एक है विकार, दूसरा है विकल्प, तीसरा है विकर्म, चौथा है व्यर्थ, फिर है नेगेटिव, फिर है अवगुण, छठवा है, सातवा है कमजोरी, कमी, और लास्ट है सात या आठ ले लो संस्कार। ये इतनी चीजें हैं जिनका नाश करना है, और ये सारी की सारी चीजें बहुत सूक्ष्म है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था असली, असली क्या? असली जन्म जन्मांतर की आदतें हैं। ये सारी आदतें जन्म जन्मांतर की है, विनाश करने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो समाई है अवचेतन मन के तल पर है, सबकॉन्शियस। एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस, इसलिए यहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। बुद्धि समझ भी जाए
परंतु उनका नाश कर देना ये कोई और स्थिति है। तो कैसे इन सभी का नाश किया जाए? विकर्म भक्ति से अब तक के जीवन के इस जीवन के बचपन से तो ब्राह्मण बनने तक, और फिर तीसरा ब्राह्मण बनने से अब तक। माया भटकाएगी, यहां पर माया भटकाती है। भूतों को पूर्ण वश में करना है कल था, तो विकर्म अर्थात जो कुछ किया हुआ पास्ट है, जो अब तक का किया हुआ है, वो सारे विकर्म सब कुछ अवचेतन मन में कहीं ना कहीं समाये हुए हैं। उन विकर्मों का विनाश करना, विकल्प जो अब उठ रहे हैं, अशुद्ध ख्याल, एक है संकल्प शुद्ध ख्याल, एक है विकल्प अशुद्ध ख्याल जो अब उठ रहे हैं। चाहता नहीं है व्यक्ति, परंतु फिर भी उठ रहे हैं, क्योंकि वो चेतन मन से शायद नहीं, अवचेतन मन से ही निकल रहे हैं। उनकी गति बहुत सूक्ष्म है, उनको अग्नि देने वाले कुछ चीज नीचे है जिसकी वजह से वो निकल रहे। कुछ भूमि अभी भी नीचे तैयार है, जिस भूमि पर कुछ बीज पड़े हुए हैं, उस बीजों से अशुद्ध ख्याल निकल रहे हैं। वो बीज विकर्म हो सकते हैं, वो बीज स्मृतियां हो सकती है। व्यक्ति चाहता नहीं है, फिर भी निकलते रहते हैं, क्योंकि नीचे काम कम किया है, विचार करना है। आज के मूल्य में रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं। यह ऐसा व्यापार है कि इसमें जमा भी होता है तो ना भी होता है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, कहां क्या हो रहा है, कहां श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जब जब उल्लंघन होगा एक संस्कार अंदर जाके बैठेगा और उस संस्कार से अशुद्ध ख्याल निकलेंगे। बहुत भारी स्टेटमेंट किया आज बाबा ने मुरली में, कोई विरले ही श्रीमत पर चलते, कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, दुर्लभ प्राणी है ऐसे, कोई विरले ही श्रीमत पर चलते, क्योंकि पहले वो समझ में ही नहीं आती है क्या श्रीमत बहुत सूक्ष्म चीज है, सिद्धांत नहीं है केवल, तथ्य नहीं है केवल, डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये करो ये करो ये ना करो, ये तो सबको ही पता है। चोर भी जानता है चोरी करनी नहीं चाहिए, क्या चोर को ख्याल नहीं है कि चोरी नहीं करना चाहिए, करता तो है। तो डूज एंड डोंट्स केवल तथ्य है, सत्य नहीं, सत्य तथ्य नहीं, सत्य अनुभूति है, और किसी वस्तु की किसी चीज की अनुभूति नहीं, स्वयं की अनुभूति, ये सत्य की परिभाषा है। सत्य किसी वस्तु का नहीं, सत्य अनुभूति है, तथ्य नहीं। तो विकर्म को विनाश एक जो बहुत सूक्ष्म है, विकल्पों का विनाश जो अशुद्ध ख्याल उठ रहे हैं, किस बेड से, किस भूमि से, किस धरातल से वो उठ रहे हैं, और क्यों उठ रहे हैं, और कौन से बीज है, और कब डाले गए बीज, क्या उन बीजों को समूल नष्ट किया जा सकता है, इस पर विचार करना है। बुद्धि से काम लेना है, एक जगह आज मुरली में बोला है, बुद्धि से अर्थात तर्क से, इसमें तुम्हें बुद्धि चलानी पड़ेगी,
बुद्धि से काम लो, तीसरा है व्यर्थ, क्या समर्थ है और क्या व्यर्थ है इसको परखते आना चाहिए। आज का है मूल्य में, ये है ईश्वरीय बातें, वो है दुनियावी बातें। ईश्वरीय बातें कौन सी और दुनियावी बातें कौन सी है, व्यर्थ कौन सा है, समर्थ कौन सा है, सार कौन सा है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अनित्य का त्याग, क्षणभंगुर का त्याग, असत्य का त्याग, मिथ्या का त्याग, असार का त्याग, ये जानना अर्थात समर्थ बनना। और तीन बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है आज के मुरली में, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मेरी सुनो, और तीसरा सबसे महाभयंकर स्टेटमेंट, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, अर्थात मेरे अतिरिक्त विनोद भाई तुम्हारा कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। मित्र, संबंधी, मां बाप सबको भूल जाओ, सबसे बुद्धि योग तोड़ दो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, मेरे साथ योग लगाओ, केवल मेरी ही सुनो। और ये कहते हुए वो संपूर्ण निरंकारी है। ऐसा कोई मनुष्य यदि कहे, कोई गुरु कहे, कोई तीर्थंकर, कोई पयंबर, कोई पैगंबर, कोई शंकराचार्य, कोई इमाम, कोई बुद्ध, कोई महान पुरुष, धर्मनेता, धर्मस्थापक, धार्मिक व्यक्ति, कोई महान भगत, तो उसमें अंधकार की गंध आएगी। पर भगवान के महावाक्य ऐसा है कि वो कहता है सबको भूल जाओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। और ये कहते हुए भी वो संपूर्ण साक्षी और संपूर्ण निरंकारी है। क्यों क्यों इस प्रश्न पर विचार करना कि वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कहता है कि उसमें से एक स्टेटमेंट भी यदि कोई दूसरा कह दे, ब्रह्मा भी कह दे, तो शायद उसमें अहंकार झलकेगा। परंतु निराकार जब कहता है ऐसे शक्तिशाली वाक्य, तो इतना सब कुछ कहने के बाद में भी जहां मैं है, फिर भी वो निरंकारी है, जिसमें अहंकार का अंश मात्र भी नहीं, जब वो कह रहा है मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, केवल मेरे से योग लगाओ, केवल मेरी सुनो, मैं तुम्हें सुख का सागर बनाने आया हूं, मैं तुम्हें सुख का सागर बनाने आया हूं। बाप तो चाहते हैं कि बच्चे झूले में झूलते रहे, बाप तो चाहते हैं बच्चे शादी कर पटरानी पटरानी बने सतयुग में, लौकिक बाप चाहते हैं यहां शादी करके खुश रहे, बाप चाहते हैं उधर शादी करके पटरानी बने और झूले में झूले। तो तीसरा है व्यर्थ का नाश, उसके लिए स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि ये जो चल रहा है, ये जो सेक्शन है जीवन का, ये व्यर्थ का है, ये जो टुकड़ा है, ये व्यर्थ का टुकड़ा है, इसको हटाना है। ये जो एरिया है, ये जो स्पीयर है, ये जो क्षेत्र है विचारों का, ये जो क्षेत्र है भावनाओं का, ये व्यर्थ का है। इस टुकड़े को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकते, व्यर्थ चालू रहेगा। तो व्यर्थ नेगेटिव, नेगेटिव का साम्राज्य है चहुबोर, यहां मन भटकता है, वहां मन वश में रहता है आज का। और वो नेगेटिव बहुत धीरे 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 समा चुका है,
यदि हर एक व्यक्ति अपने अंतर मन में देखे तो उसे ऐसा अंधकार दिखेगा कि भयभीत हो जाएगा, विचारों का अंधकार जो कि लंबे समय से समाया हुआ है, और ये नेगेटिव, ये नकार उसे आगे बढ़ने नहीं देता, उसे भी जलाना है। विकार, विकल्प, विकर्म, विकार, व्यर्थ, नेगेटिव, पांचवा विकार, विकार, विकारों के सूक्ष्म रूप क्या क्या है वो खुद ही जानना है। कलाहीन काले बन गए हो, क्या बन गए हो, केवल कलाहीन नहीं, कलाहीन और काले, विकारों के क्या रूप है, विकारों के क्या अंश है, विकार क्या होते हैं, विकारों का भी चिंतन, क्योंकि एक एक विकार बहुत विस्तार है और सूक्ष्म है और जुड़े हुए हैं। जब क्रोध आ रहा है तब क्रोध ही नहीं आ रहा है, उसके साथ बहुत कुछ आ रहा है। जब लोभ आ रहा है तो केवल लोभ नहीं आ रहा है, उस लोभ के साथ बहुत कुछ आ रहा है, उसके पास साथ में बहानेबाजी भी आ रहे है। ऊपर से कह रहे हम लॉटरी इसलिए ले रहे ताकि बाबा के यज्ञ में लगाओ, ऐसा बाप पैसा बाप के यज्ञ में लग नहीं सकता, करोड़पति बनने का सोच रहे हो तो सदा के करोड़ गवाते हो। विकार अकेले नहीं आते, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, झूठ जुड़ा होता है, बहानेबाजी जुड़ी होती है, आलस, स्वार्थ, डर, धोखा, एक एक के साथ बहुत सारा जुड़ा है, खाली एक अकेला नहीं आता है कि बस क्रोध कर लिया काम पूरा हुआ। वो तो क्रोध आया पर बीच में बहुत सारा छोड़ के गया, अदृश्य है, तो अदृश्य को कैसे नाश करे जो दिखता ही नहीं, कैसे खत्म करेंगे अदृश्य को। चाइना में एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था बेचारा, और उसकी जो उसका जो घर था एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के बाजू में था। रेस्टोरेंट से अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती थी, भोजन की सुगंध, सोचता था कब मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊं, परंतु पैसे नहीं थे कैसे जाएगा। अपना बेचारा थोड़ा सा घर पे बनाता था, खा लेता था, फिर एक दिन युक्ति सूझी क्यों ना और रेस्टोरेंट में जाके खाली बैठूं और सुगंध लूं। तो एक दिन गया और बैठा, पानी लेने पिया, भोजन इधर से करके गया घर से, और वहां बैठ के अच्छी खुशबू लेने लगा भोजन की और तृप्त होने लगा। तो ऐसा रोज करने लगा, रोज रेस्टोरेंट में जाना, किसी बहाने से बैठना और फिर खुशबू लेना। मैनेजर को एक बार डाउट आया तो उसने भी चाल चली और वो बिल लेके पहुंच गया एक दिन। उसने कहा ये बिल, उसने कहा बिल किस बात का, खुशबू का, जो रोज तुम आके खुशबू लेके जाते हो उसका पैसे निकालो। तो उसने कहा पैसे अभी घर से लेके आता हूं। वो घर गया, पैसे का बॉक्स था उसके पास जिसमें बहुत सारी चिल्लर पैसे थे, वो लेके गया और मैनेजर के कान में छनछन छनछन किया। मैनेजर कहता है पैसे कहाँ है, तो मैंने खुशबू ली और तुमने आवाज सुनी, हिसाब पूरा हुआ। सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही काटना होगा, अदृश्य को अदृश्य से काटना होगा। विकार अदृश्य है, चाल भी अदृश्य चलनी होगी। विकार सूक्ष्म है, षड्यंत्र भी सूक्ष्म होने चाहिए। कौन से षड्यंत्र, ईश्वरीय षड्यंत्र, गॉडली कॉन्स्पिरेसी, विकारों को उखाड़ने के। डायरेक्ट अटैक करोगे विकारों पर तो क्या होगा,
दब तो जाएंगे परंतु फिर आएंगे। उसकी मेथड हमेशा परोक्ष होनी चाहिए, इनडायरेक्ट। अपरोक्ष मेथड से अगर चले गए डायरेक्ट तो वो रिवर्ट बैक, वो बदला लेते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी युक्ति रचनी है कि वो नाश हो जाए। विधि है कुछ तो क्रिएटिव करने का, क्रिएशन करने का। क्रिएटिव में, क्रिएशन में डिस्ट्रक्शन समाया हुआ है। खाली डिस्ट्रक्शन करने जाओगे विकारों का तो काम नहीं होगा। क्रिएशन के साथ डिस्ट्रक्शन समाया है, क्योंकि जब हम क्रिएट करते, रचना करते, रचना में विनाश समाया है। नई रचना करते जाओ, नई रचना करते जाओ, नया ज्ञान, नई मुरली, नई पॉइंट्स बुद्धि में डालते जाओ। ये ज्ञान रत्न है आज कहा। धारण करो कराओ, ये कमाई है। कमाई करो, कमाई कराओ। इन रत्नों की वैल्यू कोई नहीं समझता, बाबा ने कहा। इन रत्नों की वैल्यू कोई नहीं समझता। यही विधि है रचना की, क्योंकि इस रचना में ही अदृश्य रूप से डिस्ट्रक्शन समाया हुआ है। इंग्लिश में शब्द है डिस्ट्रक्शन, DED, स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर करना अर्थात पुनः स्ट्रक्चर करना, अर्थात रीस्ट्रक्चर करना, अर्थात नए से निर्माण करना। डिस्ट्रक्शन, डी स्ट्रक्चर, दो शब्द है। डी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पूरा खाका ढांचा फिर से निर्माण करना, डिस्ट्रक्शन ये विधि है। तो क्रिएशन करना, समर्थ डालते जाओ। व्यर्थ स्वतः ही नाश होगा और समर्थ भी जमा होते जाएगा। यही विधि है। खाली अगर कोई ये सोचे मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं, विकर्म विनाश करने हैं, तो नहीं होगा। व्यर्थ को विनाश करना है, कहां से होगा? खाली कोई सोचे कि इस कमरे में 1000 साल से अंधकार है, तलवार लेकर आऊं और इस अंधकार को मैं निकाल के रहूंगा, मार के रहूंगा, पूरी सेना लेके आ जाए अक्षयनी और इस अंधकार को कमरे से बाहर निकालूंगा, जाएगा क्या? कमरे से अंधकार कैसे निकालेंगे? विधि है प्रकाश को लाने की। प्रकाश आ जाए, अंधकार विलीन हो जाएगा। ज्ञान वह प्रकाश है। ज्ञान कम है तो संडे उस दिन मुरली में था, खुशी नहीं रहेगी। इसके लिए क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है। जितना ज्ञान अंदर बढ़ेगा उतना खुशी। आज कहा है खुशियों की तालियां तुम्हारे अंदर बजनी चाहिए। तालियां बजेगी तब, पहले सूक्ष्म ताली बजेगी। सूक्ष्म ताली है संकल्प। पहले मन में, फिर कर्मेंद्रियों में, पहले अंदर फिर बाहर। तो ज्ञान को भरना है, धारण करना है। पॉइंट्स को पॉइंट्स के रूप में नहीं, वो पॉइंट है उसको जीवन बना देना है। मुरली की एक लाइन, ढेर सारी मुरली भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक ही लाइन पढ़ी, 1 घंटा एक ही लाइन पर चिंतन। क्यों कहा, किसने कहा, कब कहा, किससे कहा, किस लिए कहा? अगर कहा, इसमें तथ्य क्या है? सत्य है या असत्य है? क्या है? सोचना उसके ऊपर, विचार करो। रिस्पॉन्सिबल बनकर खाते का विचार रखते हैं। बुद्धि से काम लेना है, ये खो गया है। सब कुछ स्वीकार कर लिया, ये भी राइट है, ये भी राइट है, वो भी राइट है, ये भी अच्छा है, वरदान भी अच्छा है, स्लोगन भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, स्वीकार कर लिया है। स्वीकार नहीं करना है, तुरंत सोचना, विचार करना, रोकना। तो विकार, विकल्प, विकर्म, व्यर्थ, निगेटिव, फिर है अवगुण।
अवगुण। अवगुण हम कैसे धारण करते हैं? देखकर। अवगुण हम कैसे धारण करते हैं? पता कैसे चलता है अवगुणों का? दूसरे ने किया तो हम करने के लिए प्रवृत्त होते, प्रोत्साहित होते, देखकर और चिंतन से। पहले देखना, फिर उसका चिंतन करना, और सुन, देखकर, सुनकर, सुनकर, शेयरिंग करके, उसकी चर्चा करके, परचिंतन करके, वो ऐसा है, उसने ऐसा ऐसा किया, उसको साथ देकर। और अवगुण कैसे धारण किए जाते? अवगुण धारण करने की विधि, क्या विधि है? अगर 16 कला अवगुण संपन्न बनना है, नहीं 16 कला अवगुण संपन्न बनने हैं तो विधि क्या है? 16 कला अवगुण संपन्न शक्तिशाली असुर, पावरफुल असुर। तो अवगुण देखने पड़ेंगे, मेहनत बहुत है। अवगुण देखने पड़ेंगे, अवगुण सुनने पड़ेंगे, अवगुणों का चिंतन करना पड़ेगा, अवगुणों को उसके ऊपर एक एक पर क्लास करानी पड़ेगी थोड़ी सी, उसको आत्मसात करने के लिए दान करने। आज का है दान करो। ऐसा कैसे माना जाएगा कि दान कर रहे हैं? जिसके पास है वो करके दिखाए। आज ही है या कल था? आज ही है, करके दिखाए। पूछना थोड़ी होता है दान करूं क्या। करके दिखाओ। सुनना तो कोई चाहता ही नहीं है, सुन तो बहुत लिया है, करके दिखाओ। तो फिर और क्या करना पड़ेगा अवगुण धारण करने के लिए? विठल भाई क्या करना है? दूसरा पूछना पड़ेगा विधि क्या है? आह्वान। परंतु ये सारी चीजें व्यक्ति अनकॉन्शियस में, अवचेतन में करते रहता है और उसे पता ही नहीं कि वो कर रहा है, पर कर जरूर रहा है। देख भी रहा है, सुन भी रहा है, चर्चा भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है, इनडायरेक्ट शब्दों में पूछता भी है कि कैसे किया जाए। मजा तो बहुत है, समय बीत जाता है। तो अवगुण फिर है कमजोरी, कमजोरी का विनाश। कमजोरी का विनाश करने के लिए पहले पता तो हो, क्योंकि हर एक यही समझ बैठा है मैं सर्वगुण संपन्न हूं। अभी पहले ये पता हो कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरू है, बस शुरुआत है बस। अभी पहला पार्ट चालू है, अभी तो बचपन है इस गुण का। अभी कुछ भी नहीं जाना, यह जानना कमजोरी है या आभास। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। तुम्हें वैसे ही परफेक्ट बनना है जैसे तुम्हारे पिता परफेक्ट है। तो ये कमी है मेरे पुरुषार्थ में, अभी ये कमी है। आज का है ठहर नहीं जाना है, खड़ा नहीं हो जाना है रास्ते में, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। पुरुषार्थ में रास्ते में खड़े नहीं हो जाना, आगे जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अनुभव हो गए थोड़े बहुत, इधर लाइट उधर लाइट, बहुत ही खुश हो जाते। संतुष्टता वास्तव में शत्रु है एक रीति से, क्योंकि जो देश, जो व्यक्ति, जो समाज संतुष्ट हो गया आगे कैसा बढ़ेगा। पुरुषार्थ के लिए तो महा असंतुष्टता चाहिए, दैवी असंतोष, डिवाइन डिस्कंटेंट। बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, जब सब कर लिया तब संतुष्टता परिणाम है। दैवी असंतोष
अपने पुरुषार्थ से कि और कुछ करना है, इससे तो क्या होगा, इधर कुछ दिख गया उधर कुछ, इधर ब्रह्मा बाबा दिखे उधर वो दिखा, इधर आंसू आए थोड़े बहुत, इधर थोड़ी बहुत अशरीरी हो गए, इधर खो गए थे बाबा के प्यार में और इधर बहुत अच्छा अनुभव हो गया और आज बुद्धि एकदम से एकाग्र हो गई और आज एक संस्कार इतने समय से चल रहा था वो खत्म हो गया, अरे दूसरी आत्मा है उसको तो था ही नहीं वो। संतोष तो कमी और कमजोरी, खामियां, इम्परफेक्शन, फ्लॉज, डिफेक्ट्स, खाद जो पड़ी है, एलॉय, उखाड़ कर उसको बाहर निकालना। और लास्ट संस्कार, वो भी बहुत सूक्ष्म है, जिसका नाश करना है। संस्कार कहो या आदत कहो, आदत थोड़ा बुद्धिगम्य शब्द है, थोड़ा हाथ में आने जैसा है कि ये मेरी आदत बन गई है, अब इस आदत को मुझे मिटाना है। वही सब कुछ करो जो एक अल्कोहलिक, एक दारू पीने वाला दारू छोड़ने के लिए जो जो करता है। डी एडिक्शन सेंटर ज्वाइन करते हैं लोग, रिहैब सेंटर, पुनर्वसन केंद्र, वहां उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ हर एक को वो ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि ये लत है, आदत, एडिक्शन है, इनको एडिक्शन के रूप में देखना, ये एडिक्शन हो गई है। अब इस एडिक्शन को मुक्ति से क्या मार्ग है, पहले तो उनको दुनिया से अलग कर देते हैं, रिहैब केंद्र में रखते हैं, 6-6 मास, 9-9 मास रखते हैं, मोबाइल फोन कुछ नहीं रखते उनके पास, परिवार वालों को आना बंद, और वहां सुबह से लेकर रात तक उनकी ट्रेनिंग होती है। अवर्शन थेरेपी, घृणा उत्पन्न की जाती है स्मोकिंग और इस सब के विरुद्ध, जो चीज छोड़नी है उसकी पालना नहीं करते बैठना है, बहुत अच्छा थोड़ा तो है थोड़ा तो है थोड़ा तो है, विकराल रूप, उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए तो ही छूटेगी वो, और नई जो चीजें हैं वो धारण करते जाना। उनको किताबें दी जाती है, ऑडियोज दिए जाते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस सारे विश्व भर में AA, जिन लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया है उनकी आपस में मीटिंग, और उन्होंने कैसे छोड़े वो अनुभव शेयर करते हैं कि मैं ऐसा ऐसा था, ये पीता था, ऐसा ऐसा खाता था, और फिर मैंने इस तरह से छोड़ा। फिर दूसरे जो सुनने वाले हैं उनको प्रेरणा दी है, अरे इसने छोड़ा मैं भी छोड़ सकता हूं। ऐसा स्पिरिचुअल अल्कोहलिक एनोनिमस AA, SAA, तो ये सभी चीजों का नाश करना है। पहले तो पता रहना चाहिए मुझे नाश करना है, तो कौन कौन सी चीजों का नाश करना है, पहला विकार, उनके सूक्ष्म रूपों को जानना, दूसरा विकल्प अर्थात अशुद्ध ख्याल, तीसरा विकर्म किए हुए पाप, कई बार रोज मूल्य में आता है तुम्हारे सिर पर बोझ है बोझ है बोझ है, लगना चाहिए बोझ है, बोझ वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे थोड़ा एक्टिंग करके देखनी है कि इतना बोझ कैसे चलूं, कमरा बंद करके थोड़ी सी एक्टिंग तो बोझ। अगला व्यर्थ, अगला निगेटिव, अगला अवगुण, कमी कमजोरी और संस्कार, अष्ट शक्तियों से अष्ट चीजों का नाश, रोज का काम है, एक दिन से नहीं होगा, रोज, क्योंकि हर दिन नए नए आ रहे हैं, धूल जो है ना आईने पर रोज ही आ जाती है, हर दिन देखो यहां आके तो धूल तो है ही, घर में कोई रहता नहीं, एक नौकर को रखा हुआ है, मालिक महीने में एक दिन आता है वो रोज साफ करता है, एक दिन साफ नहीं किया और जिस दिन मालिक आया बिल्कुल नीचे जाता है और ऐसे करता है, तुम साफ नहीं कर रहे हो, देखो मिट्टी अभी भी है, सफाई कब होनी चाहिए, कब करनी है सफाई, दो बार तो करनी है, दो बार मुख्य रूप से, पर सारे दिन भर भी सफाई का काम जारी रहे, सफाई करते रहने का बैठकर, तो ऑप्शन थे।